खबरें जो आपको सीधा जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम। नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की कुछ खास खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनपद हापुड़ के कप्तान दीपक भूखड़ द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बहादुरगढ़ पुलिस YSOG टीम ने थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई डॉक्टर की हत्या का अल्प समय में सफल अनावरण कर बाल अपचारी सहित 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से निशानदेही पर एक अवैध तमंचा, मई कारतूस, एक अवैध चाकू, मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मृतक डॉक्टर की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व दवाई का बैग बरामद हुआ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर। खबर जनपद हापुड़ से है, जहां कप्तान दीपक भूखड़ द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर की हत्या का अल्प समय में सफल अनावरण कर बाल अपचारी सहित 4 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र में एक आकाश नाम का व्यक्ति था, जिसकी हत्या करके उसका शव जो है वो झाल में फेंक दिया गया था। उसकी जो सूचना है, ये जो घटना कारित की गई, ये 28 तारीख को की गई थी, 28 सितंबर को, और इसकी सूचना उसके परिवारजन के द्वारा, जब वो लड़का उनके घर नहीं पहुँचा था, तो 29 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। इसमें 3 पुलिस टीम जो है वो गठित की गई थी, जिसमें थाना बहादुरगढ़ और SOG की टीम इसमें लगाई गई थी। उन्होंने जो 4 अभियुक्त हैं इसमें गिरफ्तार किया है, इसमें एक बाल अपचारी है और 3 अन्य जो अभियुक्त हैं उनमें से एक सोनू कुमार, दीपक कुमार और अंकित चौहान, ये 3 अन्य लोग इसमें शामिल थे। इनके द्वारा जो घटना कारित की गई, उसमें ये बताया गया कि जो अंकित चौहान हैं, ये आकाश के साथ ही एक डॉक्टर की उस पर काम करते थे और काफ़ी समय से एक दूसरे को ये जानते भी थे। इनको जब आकाश ने, इनमें आपस में 2 विवाद हुए। पहला विवाद तो ये था कि आकाश एक अलग से अपनी डॉक्टर की ही कोई दुकान अलग करना चाहते थे इससे, और दूसरा एक महिला से भी फ्रेंडशिप को लेके इन दोनों के बीच में आपस में विवाद चल रहा था। इसी के चलते जो अंकित चौहान है, उसने ये प्लान किया कि आकाश को जब शाम के टाइम में दुकान के बाद बंद करने के बाद अपनी बाइक पर बिठा के ले गया, वहाँ पे एक जगह पे जाके इसने उसको शराब पिलाई और बाकी जो अन्य साथी थे वो भी वहाँ पे आ गए और उसका गला जो है रुमाल से उसका गला कस के उसकी हत्या की गई। और बाद में जब उसकी बॉडी, डेड बॉडी किसी को ना मिले, इसके चलते उन्होंने उसको झाल में फेंक दिया था। सर, इसमें महिला की, जो महिला है इसमें, उसका क्या रोल रह सकता है? देखिए, इसमें जो महिला है उसका ये रोल सामने आया है कि अंकित चौहान को उसने ये बताया कि आकाश जो है वो उसके खिलाफ़ कुछ ऐसी हरकत करने वाला है कि या तो उसको मार देगा या उसको रास्ते से हटाएगा। ये चीज़ भी संज्ञान में आई है और इसमें अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें ये चीज़ें, हम जो महिला है उसका क्या रोल रहा है उसके बारे में भी गहनता से जाँच करवाएंगे और आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। ठीक है।